भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी बॉडी जिसे CA-TIN भी कहा जाता है, सभी नागरिकों के लिए यह चेतावनी जारी की जाती है। लोगों के आयकर विभाग के नाम से फेक ईमेल जारी की जा रही है। इस मेल के जरिए यूजर्स का डाटा चोरी किया जा सकता है। बता दें कि भारत सरकार सभी नागरिक आयकर विभाग से आने वाली ईमेल गंभीरता से लेते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर हैकर्स ऐसे फेक मेल्स भेज रहे हैं। CA-TIN ने बताया है कि लोगों को फंसाने के लिए इन मेल्स सब्जेक्ट लाइन में इनकम टैक्स का जिक्र किया गया है। इनमें से कुछ मेल्स के सब्जेक्ट में लिखा गया है इम्पोर्टेड इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट AV 2017 से 2018। वही अन्य मेल्स में इनकम टैक्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ऐसी ही कुछ ईमेल्स 12 सितंबर से लोगों को भेजी जा रही हैं, लेकिन आयकर विभाग की ओर से नहीं भेजा गया है। इनका मकसद हैकर्स द्वारा लोगों को अपना शिकार बनाना है। लोगों को मिल रही है दो तरह की फेक ईमेल। लोगों को दो तरह की फेक इनकम टैक्स ईमेल मिल रही हैं। इनमें से ज्यादातर इनकम टैक्स या इन्फॉर्मेशन डोमेन नेम के साथ भेजा गया है। CA-TIN ने पता लगाया है कि पहली मेल ओपन करने पर यूजर्स को एक अटैचमेंट दिखता है जो इमेज एक्सटेंशन के साथ आता है। इसमें एक मैलिशियस PI फाइल भी छुपी है। वहीं दूसरी की बात की जाए तो फेक ईमेल यूजर को एक फ्रॉड डोमेन इनकम टैक्स या इन्फॉर्म पर जाने वाले लिंक पर क्लिक करने की और एक फाइल डाउनलोड करने के लिए कहती है। ऐसा करने पर हैकर्स आपके डिवाइस पर कंट्रोल कर सकते हैं। यूजर्स के पर्सनल डाटा पर हैकर्स की नजर। CA-TIN ने बताया है कि ऐसी इमेज का मकसद लोगों का पर्सनल डाटा चुराना है। टेस्ट के दौरान पता चला है कि अटैचमेंट में दी गई मेलिशियस PV फाइल एक कमांड रन करती है और यूजर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करती है। इसलिए आपको जानना जरूरी है किसी भी इंटरेस्टेड ईमेल को ओपन ना करें और गलती से भी इसे फॉरवर्ड ना करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।